नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार सेवा केंद्र का बेतिहाता में जिलाधिकारी कृष्णा करू ने इसने फीता काट कर किया शुभारंभ। कहा, यह आधार सेवा केंद्र प्रतिदिन 1000 नागरिकों को आधार से संबंधित सेवा करेगा प्रदान। सुनियोजित ढंग से गैंग बनाकर हत्या करने वाले चार अभियुक्त दीपक चौहान, सूरज, प्रदीप साहनी और रामानंद के ऊपर कैंट थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज। एसपी सिटी ने दी जानकारी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के अंतर्गत ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी बास्केटबॉल प्रतियोगिता व महंत अवैधनाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी वॉलीबॉल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में कई जनपदों के खिलाड़ियों ने लिया भाग। 10 दिसंबर को विजयी खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। ₹10,000 के इनामी वांछित पशु तस्कर निर्भय राय उर्फ बिट्टू राय को सिकरीगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर भाजपाइयों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। कहा, बाबा साहब ने समाज को एकजुट रखने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। समाज के वंचितों को जोड़ने का किया काम। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का हम सब करेंगे प्रयास। शातिर चोरों मनीष रावत और काशिम के ऊपर रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर सपाइयों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। कहा, बाबा साहब ने देश में एक मत एक व्यक्ति का प्रावधान कर संविधान में अमीर गरीब महिला पुरुष सबको दिए एक समान अधिकार। महापरिनिर्वाण दिवस पर कांग्रेसियों ने भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको किया याद। कहा, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने के लिए कांग्रेस पार्टी है संकल्पित। एडीजी जोन अखिल कुमार ने कोतवाली थाने का किया औचक निरीक्षण। थाने के बैरक मेस क्राइम रजिस्टर को किया चेक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी कृष्णा करू ने इसने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा बेतिहाता स्थित दुबे कॉम्प्लेक्स में आधार सेवा केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने आधार सेंटर के सभी काउंटर का निरीक्षण किया तथा आधार सेवा केंद्र के संचालकों से जानकारी ली, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करू ने बताया कि आधार सेवा केंद्र पर निवासी अपना आधार नामांकन और अपने आधार में सुधार अपडेट करा सकते हैं। यह आधार सेवा केंद्र गोरखपुर जिले और आसपास के सभी जिलों के निवासियों को आधार से संबंधित सेवा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर के लगभग 50.72 लाख निवासियों का आधार नामांकन हो चुका है, लेकिन अभी भी 0 से 5 वर्ष के आयु के कुछ बच्चों का आधार नामांकन होना है, जिसे जल्द से जल्द पूरा करने की आवश्यकता है। वहीं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के उप महानिदेशक प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 12 आधार सेवा केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। यह आधार सेवा केंद्र निवासियों के लिए आधार से संबंधित सभी सेवाओं के लिए एक सिंगल स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहां पर अत्याधुनिक वातावरण में निवासियों को आधार नामांकन और अद्यतन सेवाएं प्रदान करते हैं। आधार सेवा केंद्र गोरखपुर के पास प्रतिदिन 1000 निवासियों को आधार से संबंधित सेवाओं को प्रदान करने की क्षमता है। आधार सेवा केंद्र नागरिक केंद्रित है और प्रबंधकों को निवासियों, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और इस रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं को हल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। भीड़ प्रबंधन के लिए टोकन सिस्टम लागू किया गया, जो निवासियों को कुशल सेवा प्रदान करता है। यहां पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम उपलब्ध है, जो नागरिकों को समय बचाने में मदद करता है और केंद्र पर भीड़ को कम करता है। जिन निवासियों के पास ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है, उन्हें निर्दिष्ट विंडो पर सेवा प्रदान की जाती है। प्रवेश द्वार पर एक टोकन काउंटर है, जो पहले आओ और पहले पाओ के
के आधार पर वॉक इन निवासियों को टोकन प्रदान करता है। निवासियों को सहायता प्रदान करने और उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रवेश द्वार पर एक हेल्प डेस्क काम कर रहा है। आधार नामांकन और अपडेट के समय अपलोड किए गए दस्तावेजों की जाँच के लिए सत्यापनकर्ता तैनात किए गए हैं या सत्यापनकर्ता सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक लेन देन के दौरान डेटा की गुणवत्ता बनी रहे। भुगतान नगद प्रणाली के माध्यम से होता है और गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई आदि के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह आधार सेवा केंद्र सप्ताह के सभी सातों दिनों में सवेरे 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुले रहते हैं और केवल सार्वजनिक अवकाश के दिन बंद रहते हैं। आधार नामांकन मुफ्त है, लेकिन जनसंख्यिकीय अपडेट के लिए 50 रुपए का मामूली शुल्क और जनसंख्यिकीय अद्यतन के साथ या उसके बिना बायोमेट्रिक अद्यतन के लिए 100 रुपए दिए हैं। इस अवसर पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उप निदेशक प्रशांत कुमार सिंह, आधार सेंटर संचालक मार्कंडेय पति तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक नीतीश सिन्हा ने कहा। टोकन देने का सिस्टम हो जाता ठीक है यहाँ पे फिर जाते यहाँ टोकन ले लिया फिर अंदर आके ये काउंटर लिख के वेरीफाई करते रहते हैं आगे आके कैश सब ऑर्डर वो करके फिर तो ये 30 होगा नहीं मतलब आप बायोमेट्रिक के साथ होते हैं तो जैसे मोबाइल वगैरह अपडेट करना तो वो वाला फिर वो उसको काउंटर अलॉट हो जाता है तो 16 काउंटर मैक्सिमम जो है यूपी में मतलब 16 कहीं 3 तरीके के हमारे होते हैं 16-8 हज़ार वाले तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी वाला है मतलब 16 नहीं और बाहर जाने में 15 मिनट से भी कम प्लस टोकन वगैरह क्या वॉल्यूम ऑफ क्राउड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी नहीं हम तो 1000 उम्मीद कर रहे हैं कि 1000 का फुटफॉल हो पड़े बाकी ये लोग कैंप मोड में तुम्हें मिल जाएगा अपडेट्स का या नए एनरोलमेंट्स का तो ये लोग वहाँ कैंप मोड में भी आपके निर्देश पे मतलब वहाँ तहसील वाइज तो हम लोग करा ही सकते हैं तो मतलब पर्टिकुलरली अगर जैसे स्कीम्स के बेनिफिशरीज हैं उनके लिए आपको कुछ कराना है तो वहाँ पे उन्हें कुछ अपडेट कराना है तो 2-3-4 दिन के लिए जो उड़ाई ने जो ये 16-12 केंद्र पूरे स्टेट में बनवाए हैं उसमें ये गोरखपुर है 16 मशीन्स की कैपेसिटी का ये सेंटर है। बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और जो अभी बताया गया है हमारे यहाँ जो आबादी का 52 लाख है उसमें अराउंड 47 लाख तो संतृप्त हो चुके हैं तो उनके जितने अपडेशन हैं मैक्सिमम हम लोग उसको अपडेट कर सकें। जो 5 लाख लोग छूटे हुए हैं स्पेशली 4 लाख जो बच्चे हैं 5 साल तक के और 5 लाख से ऊपर 1 लाख लोग हैं उनको किसी तरह हम लोग सेंसिटाइज करके सेंटर से जोड़ सकें ताकि जितनी एक तो आइडेंटिफिकेशन सेकेंड इज गवर्नमेंट स्कीम अभी मेरी बात हो रही थी इस फैसिलिटी के माध्यम से अराउंड 100
35 ऐसे बच्चे जो अलग हो गए थे पेरेंट्स से, उसे जोड़ा जा चुका है। तो इसके मल्टीपल यूजेस हैं, एक बार किसी का आधार कार्ड हो जाए तो गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंक्स, इसके अलावा और भी ट्रेसेस जो इन्वेस्टिगेशन में ट्रेस करने में काम आता है, हर जगह यूज होता है इसका। तो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू बैंक और गवर्नमेंट स्कीम, आज के डेट में हर व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पे चूंकि प्रिंट मीडिया के बंधु भी हैं, तो आप लोग से यही अनुरोध है, ये मैक्सिमम ये केंद्र आज यहाँ खुला है, ये 1000 की कैपेसिटी है, एटलीस्ट 1000-1200 रोज बने, उससे ज़्यादा का डिमांड रहे। तो ये जब तक आप लोग इसकी प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तब तक लोग मैक्सिमम नहीं आएंगे, और जो छोटे लोग हैं उनको चिन्हित करने में आप लोग सहयोग करें। धन्यवाद। कैश पेमेंट होने के बाद वो वहाँ से, हाँ, अगर वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट क्या सर, बेसिकली दो तरह के अपडेट्स हैं, डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक अपडेट। और बायोमेट्रिक अपडेट में अगर आपको कुछ अपने फिंगरप्रिंट्स में इशू आ रहे हैं या फिर आपकी फोटो पुरानी है आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, उसके थ्रू बायोमेट्रिक अपडेट हो रहा होता है। और इनके साथ बायोमेट्रिक करा रहे हो तो उसमें साथ में ही आपका दोनों अपडेट हो जाएगा, डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक दोनों ही। ये मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट और एनरोलमेंट, ये तो फ्री हो गया, ये आप बायोमेट्रिक के साथ कुछ भी आपने ऐड कर लिया तो वो आ जाएगा। डेमोग्राफिक अपडेट इज दैट इज तो अपना काम कर, ये 5 साल तक का बच्चा है, ये अभी 5 साल का है, इसके लिए बट 5 साल से ऊपर के लिए बर्थ सर्टिफिकेट में क्या होगा कि ये इसमें पेरेंट्स का आधार नंबर लेकर के जो बच्चे का बनेगा वो पेरेंट्स के आधार से लिंक होगा। तो एक्चुअली ऑथेंटिकेट अपना आधार नंबर देंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे तो उससे जब उनका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा सक्सेसफुल तो ये पता चल जाएगा। जो डायरी जो ये 12 केंद्र पूरी स्टेट में बनवाए हैं, उसमें ये गोरखपुर है, 16 मशीन की कैपेसिटी का ये सेंटर है। बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और जो अभी बताया गया है, हमारे यहाँ जो आबादी का 52 लाख है उसमें अराउंड 47 लाख तो संतृप्त हो चुके हैं, तो उनके जितने अपडेशन हैं मैक्सिमम हम लोग उसको अपडेट कर सकें। जो 5 लाख लोग छूटे हुए हैं, स्पेशली 4 लाख जो बच्चे हैं 5 साल तक के और 5 लाख से ऊपर 1 लाख लोग हैं, उनको किसी तरह हम लोग सेंसिटाइज करके सेंटर से जोड़ सकें, ताकि जितनी एक तो आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड इज गवर्नमेंट स्कीम। अभी मेरी बात हो रही थी तो इस फैसिलिटी के माध्यम से अराउंड 135 ऐसे बच्चे जो अलग हो गए थे पेरेंट्स से उससे जोड़ा जा चुका है। तो इसके मल्टीपल यूजेस हैं, एक बार किसी का आधार कार्ड हो जाए तो गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंक्स, इसके अलावा और भी ट्रेसेस जो इन्वेस्टिगेशन में ट्रेस करने में काम आता है, हर जगह यूज होता है इसका। तो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू बैंक और गवर्नमेंट स्कीम, आज के डेट में हर व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पे चूंकि प्रिंट मीडिया के बंधु भी हैं, तो आप लोग से यही अनुरोध है, ये मैक्सिमम ये केंद्र आज यहाँ खुला है, ये 1000 की कैपेसिटी है, एटलीस्ट 1000-1200 रोज बने, उससे ज़्यादा का डिमांड रहे। तो ये जब तक आप लोग इसकी प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तब तक लोग मैक्सिमम नहीं आएंगे, और जो छोटे लोग हैं उनको चिन्हित करने में आप लोग सहयोग करें। धन्यवाद। दो चार लोग और बैठ गए, मैं नीतीश सिन्हा, डायरेक्टर UIDAI रीजनल ऑफिस लखनऊ। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि आधार
अति महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है आज की तारीख में। तो लोगों को एक ही छत के नीचे आधार एनरोलमेंट और अपडेट की सारी सुविधाएं मिल सके, विशेष रूप से जो गोरखपुर और आसपास का क्षेत्र है यहाँ के लोगों को, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इस आधार सेवा केंद्र की स्थापना की गई है। इसकी प्रतिदिन की जो कैपेसिटी है आधार एनरोलमेंट और अपडेट की, वो 1000 से 1200 है। तो मुझे आशा है कि ये यहाँ पे गोरखपुर क्षेत्र के निवासियों को आधार संबंधित सभी सुविधाएं एक छत के नीचे देने में सक्षम होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अभी हम लोग जो हैं पोस्ट ऑफिसेज और बैंक और अन्य माध्यमों से, राज्य सरकार की भी कुछ एजेंसियां हैं जैसे बेसिक शिक्षा विभाग है, अभी एक नया विभाग आ रहा है श्रीटॉन इंडिया, उनके माध्यम से हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी और पैठ बनाएंगे। अभी CSCA और बाकी बैंक पोस्ट ऑफिसेज के माध्यम से तो है ही हमारी पहुंच, और उसके अतिरिक्त हम लोग जैसे ये आधार सेवा केंद्र अभी गोरखपुर में बना है, ऐसे आधार सेवा केंद्र हम और जिलों में भी बनाने का विचार कर रहे हैं। हो सकता है इतना बड़ा ना हो, हमारी कैपेसिटी यहाँ पे जैसे 16 मशीन्स हैं तो कुछ जिलों में 8 मशीन्स लगेंगी, कुछ में हम 4 के बारे में सोचेंगे, लेकिन सभी जिलों को कम से कम कवर कर देंगे। तहसीलों और ब्लॉक को हम राज्य सरकार के रजिस्ट्रार्स के माध्यम से कवर करेंगे। उसका दो चीज़ें हैं, आधार में उसके लिए प्रोविज़न है कि यदि किसी का बायोमेट्रिक नहीं आ पा रहे हैं तो वो 3 से 4 अटेम्प्ट होते हैं, वो उसी समय एनरोलमेंट के समय ही देखते हैं, उसमें से फिर जो बेस्ट होता है, जितना जिसमें मैक्सिमम कैप्चर हुआ होता है, उतना लेते हुए उनका आधार बन जाता है। तो वो आधार किसी का भी डिनाई नहीं होता, बल्कि आप ये समझिए जिनके हाथ भी नहीं है और जिनकी आँख भी नहीं है उनका भी आधार बनता है, उन्हें भी तो आइडेंटिटी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, उनका जितना भी कैप्चर होता है उतने पे आधार उनका बनाते हैं। बाद में उनका ऑथेंटिकेशन अगर करना हो, बुजुर्गों का मान लिया उंगली के थ्रू नहीं कर पा रहे हैं, तो एक आप अपनी आयरिस के थ्रू कर सकते हैं। अब आजकल तो फेस ऐप हम लोगों ने शुरू कर दिया, फेस ऑथेंटिकेशन, तो इससे आप ये समझिए कि जो पेंशनर्स हैं, बुज़ुर्ग पेंशनर्स हैं, उन्हें अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करते थे वो अपने मोबाइल में ऐप डाल के आधार के माध्यम से अपनी फ़ोटो खुद ही खींच के और उसके माध्यम से अपना आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं और उनका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बन जाता है, और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जहाँ पे भी उनकी जिस भी जगह से उन्हें पेंशन मिलती है वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। इसमें बेसिकली अभी जो जनपद में 270 किट्स हैं जहाँ अपडेशन किए जा रहे हैं, उसी को ऑगमेंट करने के लिए यहाँ पे एक आधार सेवा केंद्र बनाया गया है जिसमें 16 किट्स हैं, जहाँ पे रेगुलर अपडेशन और नए आधार कार्ड बनाने का काम कराया जाएगा। तो बेसिकली एक अच्छी पहल है यूडाई के द्वारा, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लोग, मैक्सिमम लोग जो आधार बनाते हैं वो अपडेशंस में बहुत लोग नहीं कराते हैं, एक बार आधार बन जाता है तो इसके कारण अलग अलग स्कीम्स में बेनिफिट्स उठाने में कभी कभी अलग अलग स्टेजेस में प्रॉब्लम आता है, तो उसी को मजबूत करने के लिए ये व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि आम पब्लिक को मैक्सिमम सुविधा मिल सके। ये शहर के बीच में है, पर डे 1000 की कैपेसिटी है, तो आपके माध्यम से मैं यहाँ की जनता से भी अनुरोध करूँगा कि जिसको भी अपना अपडेशंस है इन सेंटर्स में संपर्क करके अपना अपडेशंस कराएं। इनफैक्ट यहाँ पे 15 से 20 मिनट में पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आधा दिन किसी को परेशान होने की ज़रूरत है। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव, तो आपके माध्यम से भी मैं अनुरोध करूँगा कि मैक्सिमम लोगों को आप लोग भी सेंसिटाइज करें ताकि अपना आधार अपडेशन कराएं। और जो छूटे हुए वर्ग हैं, जैसे अभी हमारे जनपद में नियरली अराउंड 5 लाख आधार हैं जो बनने बाकी हैं, 1 से 4 लाख 5 साल के बच्चों का, 18 तक एक अराउंड 1 लाख के आसपास, तो उनको भी हम लोग आइडेंटिफाई करके हम लोग इंश्योर करेंगे कि रिमोट एरियाज़ में भी कैंप चला के हम लोग आधार इनरोलमेंट करा सकें। गाँव के लोग ज़्यादातर समस्या होती है, लोग आ नहीं पाते, हाँ इसको हम लोग क्षेत्र में भी टाइप करेंगे, डीजी सर से बात भी हुआ है, तो इन्होंने काफ़ी कोऑपरेशन इसमें देने के लिए कहा भी है, तो हम लोग रिमोट एरियाज़ में भी कैंप चलाएंगे। धन्यवाद।
बड़वानी की पुलिस ने गैंग बनाकर हत्या करने वाले चार अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि अभियुक्तों ने 10 अगस्त को कैंट क्षेत्र के बितिहाता क्षेत्र में सुनियोजित ढंग से रामकृष्ण मिश्र को जान से मारने की नीयत से चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे रामकृष्ण मिश्र गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं अभियुक्तों द्वारा भद्दी भद्दी गालियां तथा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। इलाज के दौरान घायल रामकृष्ण मिश्र उपरोक्त की मृत्यु हो गई, जिससे आम जनमानस में भय व्याप्त हो गया है, जिसके संबंध में थाना कैंट जनपद पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर चारों अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनकी पहचान दीपक चौहान पुत्र अरविंद चौहान निवासी नहर रोड रुस्तमपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, दूसरा सूरज पुत्र छेदी निवासी गढ़ नहर रोड रुस्तमपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, तीसरा प्रदीप साहनी पुत्र शंकर साहनी निवासी टेलीफोन कॉलोनी के सामने रुस्तमपुर बेतिहाता थाना कैंट जनपद गोरखपुर, चौथा रामानंद पुत्र झगारू रावत निवासी हाल पता बेतिहाता हनुमान मंदिर के पास थाना कैंट गोरखपुर अस्थायी पता ग्राम पोस्ट मैनतापुर तहसील मेहदावल जनपद संत कबीर नगर गोरखपुर के रूप में हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना कैंट द्वारा एक गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 597/22 एक क्राइम जिसमें चाकू से गोद कर एक व्यक्ति की सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी गई थी। इससे जनमानस में भय व्याप्त हो गया था। तो इस तरीके से एक दीपक चौहान, सूरज प्रदीप साहनी और रामानंद, इन चार अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं इनकी जल्द ही प्रॉपर्टी सीज करके आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर महंत दिग्विजयनाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी बास्केटबॉल प्रतियोगिता व महंत अवैधनाथ राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में अंताक्षरी हिंदी सुलेख बास्केटबॉल वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई है, जिसमें कई जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इसके अलावा बलरामपुर सभागार में विभिन्न विषयों पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें सिक्के नोट डाक टिकट विभाजन की विभीषिका महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रदर्शनी लगाई गई। कोई भी व्यक्ति इस सभागार में आकर 10 तारीख तक प्रदर्शनी का अवलोकन कर सकता है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के खेल के निदेशक आरपी सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने कहा, और एक जरूरी चीज है जो कि सबको
अधिकारिक रूप से शुभारंभ करने के न्यायाधीश की और परमिशन सर मेजर जनरल वाजपेयी सर। प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर के 90वें संस्थापक समारोह के खेल आयोजनों में बाल प्रतियोगिताओं को अपग्रेड करके इस वर्ष से दिव्यनाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2022 आज आयोजित हो रही है। आज का यह कार्यक्रम हम सब के लिए बहुत सौभाग्य का एक बायस है, एक कारण है। मेजर जनरल अतुल वाजपेयी कुलपत महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर मुख्य अतिथि के रूप में हम सब के बीच विराजमान, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट यूपी गवर्नमेंट और जो अपने समय के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, ओलंपिक खिलाड़ी रहे हैं, मान में हमारे खेल निदेशक माइकल कान जी सर, भाई धीरज सिंह हरीश सर, वर्तमान में सर नहीं आएगा इस प्रांगण का नेतृत्व करते हुए मानदवेंद्रनाथ जी महाराज के चित्रों पर पुष्पांजलि कर उनका प्रणाम, उनका आशीर्वाद लेने के पश्चात कार्यक्रम का श्री गणेश दर्शन करती रही हैं, जिनकी प्रेरणा से हम सब आज इतने लोग यहाँ शायद फिर मैच को तो जीतना पड़ेगा दो और ढाई सेट को अयोध्या हॉस्टल को। बेहतरीन ब्लॉक हर विभाग में बेहतरीन और को लिफ्ट कर दिया बेहतरीन प्रयास लंबी रैली आज महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के कैंपस में इस समय अंताक्षरी की प्रतियोगिता चल रही है और 2 बजे से हिंदी सुलेख और अंग्रेजी सुलेख की प्रतियोगिता जो है इसी कैंपस में आयोजित है और 11 बजे से स्टेट लेवल की 2 प्रतियोगिताएं खेल की हमारी जिसका उद्घाटन आज होना है जिसमें महंत दिग्विजयनाथ जी की याद में बास्केटबॉल प्रतियोगिता और महंत अवैधनाथ जी की याद में वॉलीबॉल प्राइज मनी प्रतियोगिता का आयोजन आज शुरू होगा। हाँ, विभिन्न संस्थाओं ने बलरामपुर सभागार से लगाए और प्रताप मंच के बीच में जो है विभिन्न विषयों को लेकर के अपनी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। उसको इस समय 4 से 10 तारीख तक कंटिन्यू जारी रखा गया है कि जो भी चाहे व्यक्ति आकर के उस प्रदर्शनी का लाभ उठा सकता है। सिकरीगंज थाने की पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी वांछित पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान निर्भय राय उर्फ बिट्टू राय पुत्र हरेंद्र राय निवासी ग्राम अहिरौली दुबौली थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज बिहार प्रदेश के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि अभियुक्त पशु तस्कर है, जिसके ऊपर 10,000 का इनाम घोषित था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने पुलिस टीम में सिकरीगंज थाना प्रभारी राजकुमार सिंह, उप निरीक्षक संजय कुमार पाल, कांस्टेबल प्रदीप सिंह, अरविंद चौधरी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर में वर्ष 2021 में गोवध अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक मुकदमे का वांछित बिट्टू राय जो जनपद गोपालगंज बिहार का रहने वाला है लंबे समय से वांछित चल रहा था। इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के द्वारा 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। आज सिकरीगंज पुलिस को इस अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है और गिरफ्तारी के बाद समस्त विधि का औपचारिकताएं पूरी करते हुए इसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जहां माननीय न्यायालय के आदेशानुसार इसे फिर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। इस अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्यवाही करने पर विचार किया जाएगा और साक्ष्य पाए जाने पर
इसकी अपराध से अर्जित संपत्ति को भी कुर्क कराने की कार्यवाही की जाएगी। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर अंबेडकर चौक स्थित भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसके संबंध में महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित चेतना, समाज सुधार और भेदभाव उन्मूलन के सबसे बड़े पैरोकार, हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा स्रोत, परम श्रद्धेय महामानव थे। उन्होंने विभिन्न रूढ़ियों और कुप्रथाओं से घिरे समाज को नई दिशा देने और पिछड़े वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु उनके द्वारा किए गए प्रभावी कार्य सदियों तक मानवता का पथ अलोकित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब छुआछूत चरम सीमा पर था तो बाबा साहब ने समाज को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज के वंचितों से जोड़ने का काम बाबा साहब ने किया। हम सभी उनके बताए हुए प्रेरणा के रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर महामंत्री देवेश श्रीवास्तव, ओम प्रकाश शर्मा, बृजेश मणि मिश्रा, रमेश प्रताप गुप्ता, शिवम पांडे, अशोक गुप्ता, देवेंद्र गौंड, पिंटू, हृदय सिंह, बबलू, महानगर मंत्री अजय श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष सिद्धांत घोष, जितेंद्र चौधरी, प्रेमनाथ शुक्ला, अजय राय, कृष्ण कुमार, जितेंद्र सैनी, कमलेश्वर जाट, आशुतोष पांडे, राजेश सिंह सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन हम सभी भारतीय जनता पार्टी महानगर गोरखपुर के तपस्वी कार्यकर्ता अंबेडकर चौराहे पे बाबा साहब की मूर्ति पे माल्यार्पण करने का कार्यक्रम किए हैं और एक बाबा साहब ने जो सामाजिक समरसता का एक संदेश दिया था ताकि ये जन जन तक सामाजिक समरसता पहुँचे और बाबा साहब ने देश को जो कुछ दिया, संविधान दिया और उससे हम सभी, पूरा देश, हमारा संविधान, हमारा नियम कानून सब उस संविधान पे आधारित चलता है। बाबा साहब ने इस देश को एकजुट रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ताकि आज के दिन हम सभी माल्यार्पण करके उनके श्री चरणों में अपना माल्यार्पण किए हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर हम सभी चलने का प्रयास करेंगे। यही हम सबका धर्म और कर्तव्य भी बनता है। निश्चित ही बाबा साहब सामाजिक समरसता के अग्रदूत थे। जब छुआछूत चरम पर था तो बाबा साहब ने समाज को एकजुट रखने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जाति पात का जो भेदभाव मिटाकर समाज की मुख्य धारा से समाज के शोषित वंचितों को जोड़ने का काम बाबा साहब ने किया। निश्चित ही उनके बताए हुए प्रेरणा के रास्ते पर हम सभी चलने का प्रयास कर रहे हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार सेवा केंद्र का बेतिहाता में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेस ने फीता काटकर किया शुभारंभ। कहा, यह आधार सेवा केंद्र प्रतिदिन 1000 नागरिकों को आधार से संबंधित सेवा करेगा प्रदान।
सुनियोजित ढंग से गैंग बनाकर हत्या करने वाले चार अभियुक्तों दीपक चौहान, सूरज, प्रदीप साहनी और रामानंद के ऊपर कैंट थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज। एसपी सिटी ने दी जानकारी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के अंतर्गत ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी बास्केटबॉल प्रतियोगिता व महंत अवैधनाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी वॉलीबॉल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में कई जनपदों के खिलाड़ियों ने लिया भाग। 10 दिसंबर को विजयी खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। ₹10,000 के इनामी वांछित पशु तस्कर निर्भय राय उर्फ बिट्टू राय को सिकरीगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर भाजपाइयों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। कहा, बाबा साहब ने समाज को एकजुट रखने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। समाज के वंचितों को जोड़ने का किया काम। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का हम सब करेंगे प्रयास। शातिर चोरों मनीष रावत और काशिम के ऊपर रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर सपाइयों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। कहा, बाबा साहब ने देश में एक मत एक व्यक्ति का प्रावधान कर संविधान में अमीर गरीब महिला पुरुष सबको दिए एक समान अधिकार। महापरिनिर्वाण दिवस पर कांग्रेसियों ने भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको किया याद। कहा, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने के लिए कांग्रेस पार्टी है संकल्पित। और एडीजी जोन अखिल कुमार ने कोतवाली थाने का किया औचक निरीक्षण। थाने के बैरक मेस क्राइम रजिस्टर को किया चेक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने दो शातिर चोरों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने दो शातिर चोरों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिनकी पहचान गैंग लीडर मनीष रावत पुत्र स्वर्गीय चंद्रशेखर निवासी इंदिरा नगर कालिका होटल के पीछे थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, दूसरा सदस्य कासिम पुत्र शान मोहम्मद निवासी घंटा घर मुरब्बा गली थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त अपने गैंग के सदस्यों के साथ सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ हेतु वाहन चोरी करने व चोरी का माल बेचने का अपराध कारित करते रहते हैं। इस गैंग के लीडर एवं सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना रामगढ़ताल द्वारा दो वाहन चोरों जो कि मोटरसाइकिल और स्कूटी चोरी कर उनको बेचते थे उनको उनके खिलाफ गैंगस्टर लगाकर उनकी शीघ्र ही संपत्ति जब्त की जाएगी एवं इस तरह के तमाम मोटरसाइकिल एवं वाहन चोर सबके खिलाफ जनपद गोरखपुर में एक अभियान के माध्यम से गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि बेतिहाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर निवर्तमान जिला अध्यक्ष अवधेश यादव की अध्यक्षता में बाबा भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसके संबंध में निवर्तमान जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने कहा कि बाबा साहब ने देश में एक मत एक व्यक्ति का प्रावधान कर संविधान में अमीर गरीब महिला पुरुष सबको एक समान अधिकार दिए। उन्होंने पिछड़ों अनुसूचित जनजातियों जातियों को आरक्षण का लाभ दिया। उन्होंने कहा कि देश के लिए प्रगति का द्वार खोलने का सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है और उस रास्ते को दिखाने वाले बाबा साहब को आज हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलकर ही देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। इस अवसर पर कृष्ण कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर मोहसिन खान, जियाउल इस्लाम, मिर्जा कादिर बेग, जयप्रकाश यादव, हाजिर शकील अंसारी, सिंहासन यादव, मैना भाई, राम लखन,
पासवान, श्याम देव निषाद, राम जतन यादव, राघवेंद्र तिवारी, राजू, ब्रिजेश कुमार, गौतम, सुनील सिंह, राम नारायण, विद्रोही, अशोक चौधरी, अशोक यादव, अरविंद शुक्ला, बिंदा देवी, सुशीला भारती, द्विजा देवी, राहुल यादव, कपिल मुनि यादव, सुनील श्रीवास्तव, संजय निषाद, श्याम यादव, जनार्दन सिंह फौजी, घनश्याम राव, सोनू जायसवाल सहित अन्य समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने कहा, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। उसी संबंध में आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ है। उसमें हम लोग बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनके विचारों को किस तरीके से समाज में ले जाना है, किस तरीके से संविधान के तहत उन लोगों ने हम लोगों के हाथों में ताकत उन्होंने दिया, इन सब बातों को हम समाज में ले जाएंगे। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है कहीं कहीं से हमारे संविधान के साथ लगातार छेड़छाड़ करने में लगी हुई है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के इस परिनिर्वाण दिवस पर उनके विचारों को जिंदा रखने के लिए, उनके बनाए हुए संविधान को जिंदा रखने के लिए संकल्प लेगी और आगे इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। क्या कहेंगे इनके बारे में? अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसा व्यक्तित्व तो कि अगर आप कहिए तो सिर्फ कहते रह जाइए। जो अधिकार मैंने बताया ना उन्होंने हमें दिया है, आज आपने चुनाव देखा होगा, अभी कल उपचुनाव बीता उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। अभी एक पंचायतों के चुनाव आए हैं, उसके आरक्षण की अगर आप सूची देख लीजिए, गोरखपुर में 80 वार्ड में मात्र 8 वार्ड दलित वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है, जो 10% होता है और संविधान के अनुसार 21% होना चाहिए। सेम OBC के साथ हुआ है। तो बाबा साहब के विचारों की किसी तरीके से लोग हत्या करने पर लगे हुए हैं, हम लोग आज उनके इस परिणाम दस उसी को सबके बीच में उनके विचारों को रख करके हम इस संविधान की रक्षा के लिए कृतसंकल्प होंगे। जिला कांग्रेस कमेटी एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान एवं महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के संयुक्त नेतृत्व में अंबेडकर चौक स्थित भारत रत्न संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा कि भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। इन्होंने सभी वर्गों को ध्यान में रखकर संविधान की रचना की। संविधान के तहत शोषित वंचितों के लिए उनकी आवाज को बुलंद किए, जिससे संविधान के तहत शोषित वंचितों को उनका अधिकार आज मिल रहा है। सभी को समानता से जीने का अधिकार संविधान के तहत मिला है। उन्होंने कहा कि उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्रित्व काल में भारत के संविधान की रचना की। उन्होंने एक मजबूत और सशक्त, सभी को न्याय देने वाला, सभी को समानता देने वाला, बिना भेदभाव के संविधान की रचना की। वे देश के प्रथम कानून मंत्री भी बने। ऐसे महान संविधान शिल्पकार के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए कांग्रेस पार्टी आज के दिन संकल्पित होती है। इनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यही इनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर प्रदेश सचिव दिलीप कुमार निषाद, राकेश राम त्रिपाठी, धर्मराज चौहान, नवीन सिन्हा, तौकीर आलम, अनुराग पांडे, देवेंद्र निषाद, धनुष गब्बूलाल प्रजापति, राजीव कुमार सिंह, अशोक निषाद, प्रमोद निषाद, निर्मला गुप्ता, अविनाश त्रिपाठी, कात्यायनी मिश्रा, ध्रुव चंद्र पासवान, परवेज अख्तर, राजकुमार यादव, चंद्रशेखर यादव, हरीश चंद्र गुप्ता सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, अमर रहे, अमर रहे।
आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और इसमें हम जिला और महानगर दोनों के तत्वाधान में बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हम बाबा साहब के संविधान पर बनाए हुए रास्ते पर आज के युवाओं को चलने के लिए प्रेरित करेंगे। बाबा साहब के संविधान पर यदि कोई आँच आएगी तो उससे हम लड़ने का भी काम करेंगे। जैसे कि बीजेपी सरकार बाबा साहब के संविधान को भी बदलना चाहती है, लेकिन हम बदलने नहीं देंगे। बाबा साहब के हर नियमों को, हर कानूनों को हम उनको लेकर के चलेंगे। देश का संविधान, देश का रचयिता हमारे बाबा साहब के चरणों में फिर से कोटि कोटि नमन करते हुए मैं जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान, जिला कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। क्या कहेंगे बाबा साहब? बाबा साहब ने जो हमारा संविधान बनाया, जिसमें हम लोगों को चलने का अधिकार दिया, छुआछूत की भावनाओं को खत्म किया, आज बाबा साहब ने तमाम परिस्थितियों को हटाकर संविधान लागू किया जिससे हमें समानता का अधिकार मिला और स्वतंत्रता का अधिकार मिला। ऐसे बाबा साहब को हम कोटि कोटि नमन करना चाहते हैं। एडीजी जोन अखिल कुमार ने कोतवाली थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एडीजी जोन अखिल कुमार ने थाने के बैरक, मेस, क्राइम रजिस्टर, हिस्ट्री सीटर के रजिस्टर, अपराधियों के सत्यापन को लेकर रजिस्टर को चेक किया। इसके अलावा उन्होंने विवेचनाओं के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अगर कोई फरियादी थाने पर प्रार्थना पत्र लेकर आता है तो उसके साथ विनम्रतापूर्वक उसकी समस्या को सुना जाए, प्रार्थना पत्र के आधार पर जरूरी कानूनी कार्रवाई किया जाए। उन्होंने थाना क्षेत्र में हुई चोरियों को जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया। इस अवसर पर कोतवाली थाना प्रभारी रणधीर मिश्रा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार सेवा केंद्र का बेतिहाता में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने फीता काटकर किया शुभारंभ। कहा, यह आधार सेवा केंद्र प्रतिदिन 1000 नागरिकों को आधार से संबंधित सेवा करेगा प्रदान। सुनियोजित ढंग से गैंग बनाकर हत्या करने वाले चार अभियुक्त दीपक चौहान, सूरज, प्रदीप साहनी और रामानंद के ऊपर कैंट थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज। एसपी सिटी ने दी जानकारी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के अंतर्गत ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी बास्केटबॉल प्रतियोगिता व महंत अवैधनाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी वॉलीबॉल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में कई जनपदों के खिलाड़ियों ने लिया भाग। 10 दिसंबर को विजयी खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित।
हजार रुपए के इनामी वांछित पशु तस्कर निर्भय राय उर्फ बिट्टू राय को सिकरीगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर भाजपाइयों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। कहा, बाबा साहब ने समाज को एकजुट रखने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका, समाज के वंचितों को जोड़ने का किया काम, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का हम सब करेंगे प्रयास। शातिर चोरों मनीष रावत और काशिम के ऊपर रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर सपाइयों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। कहा, बाबा साहब ने देश में एक मत एक व्यक्ति का प्रावधान कर संविधान में अमीर गरीब महिला पुरुष सबको दिए एक समान अधिकार। महापरिनिर्वाण दिवस पर कांग्रेसियों ने भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको किया याद। कहा, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने के लिए कांग्रेस पार्टी है संकल्पित। और एडीजी जोन अखिल कुमार ने कोतवाली थाने का किया औचक निरीक्षण, थाने के बैरक मेस क्राइम रजिस्टर को किया चेक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।